है दरबार में और अरदास आई है तो महारानी का लहंगे रहेंगे तो अब मैं ये खुद ही बना लूंगी। इस बच्ची के 13-14 साल बाद इनके घर में बेटा हुआ है और महारानी ने इनको रंग लगाए हैं और देखो तो महारानी की अरदास ये लेकर के यहाँ आई है। तो मैं कहती हूँ सभी भगवान इच्छा सबकी ऐसे ही पूरी करे, सबकी झोलियाँ महारानी ऐसे ही भरे, सबके दुख दूर करे। जैसा भी है अब माँ के दरबार में ये 5वां छत्तर चढ़ चुका है, मेरे ख्याल बड़ा वहाँ है तो छोटे छोटे यहाँ एक काली माता का है क्योंकि ये काली माता की पूजा करती है, हम उन्हीं को ही चढ़ाएंगे ये, ठीक है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद जी, महारानी भगवती इनको ऐसे ही रंग लगाए और जितने भी इनके आगे के रुके हुए कार्य है भगवती दूर करेगी। हम भी प्रार्थना करेंगे ये भेंट माँ के दरबार तक चढ़ाई जाएगी और माँ इनकी अरदास पूरी की जाएगी। तो बोले जयकारा शेरा वाली माई का, जयकारा भद्रकाली माई का, आंटी काली बोलो जयकारा शेरा वाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। तो भाई अरदास आई है तो इसी से सुनो क्या क्या किसका माँ ने क्या काम करा। तो लो जी मैं तो अरदास लेने बैठी, मेरा क्या बोलते हैं फैक्ट्री का सारा काम बंद हो गया था, मेरी एक बार ही मैंने माँ से अरदास लगाई और मेरी माँ ने मेरा बेड़ा पार लगाया और एक ही बार में मेरी माँ ने सुनी मेरी अरदास। जय माता की सदाई जय, जयकारा शेरा वाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। तो मैं तो देखो जी मुझको तो चुन्नी चढ़ी है बहुत अच्छी, ये दिन प्रतिदिन मुझको नई नई बनाते जा रहे हैं और ये अरदास इसकी है देखो जी महारानी के लहंगे पता नहीं क्या क्या है। मैं तो अब देखूंगी जब टाइम लगेगा इनको अरदासों को। तो मैं ऐसे ही कहती हूँ कि माँ भगवती के दरबार से जो भी सच्चे रोटी रोटी को मोहताज हो गए थे, इनकी फैक्ट्री में लॉक बिल्कुल लग गया था, इनकी जूते बनाने की फैक्ट्री थी और इनका कोई भी काम नहीं चल रहा था, बेचारे 100-100 रुपये को भी मोहताज थे। आज महारानी ने इनके सारे वर्कर वापस करे, कोरोना के टाइम बिल्कुल बंद हो गई थी, अब दोबारा से इनकी फैक्ट्री चल गई है और फिर ये खुशी खुशी माँ को अरदास लेकर के आई है, ठीक है। शेरा वाली माँ का बोल साचे दरबार की जय। मेरा तो कोई जयकारा नहीं भाई, मैं तो खुद माँ की बुखारन हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं है, माँ का दिया सब मिलता है तो ये बच्चों में ही बांट दिया जाएगा नवरात्रों में। तैयारी रखो सबने कौन कौन सा सूट लेना। आंटी गाना गा दो आज तो जयकारा शेरा वाली माँ। लाल चुन्निया चढ़ाने तेरे पागल पे आए, लाल चुन्निया चढ़ाने जयकारा शेरा वाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। ये मेरे नहीं है, ये यहाँ सेवादारों को दिए जाएंगे, जो दरबार में झोलियाँ भरी जाती है उनको बांटे जाएंगे क्योंकि मेरे घर में बड़ा रश पड़ रहा है इन चीज़ों का, तय लगाने वाला कोई है नहीं। तो इस सबकी अरदासें ऐसी ही पूरी करेगी महारानी और जो मुझसे फेसबुक में भी जुड़े हैं ना उनको भी दे दूंगी, पर आ जाना यहाँ पे। तो बोलो जयकारा शेरा वाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। तो माँ सबको ऐसे रंग लगाएं, सबके दुख दूर करें, जिनसे हमारा संपर्क बनता है जरूर आए माँ। जयकारा शेरा वाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। तो देखो जी यहाँ लोगों के बहुत बहुत दुख दूर होते हैं, एक और अरदास आज हमारे लिए आई है तो ये खुद ही बताएं अपने मुंह से, तो अच्छा लगता है कि क्या अरदास इनकी हुई है पूरी, क्या अरदास लेके आए बताओ जी। जयकारा सोनू माता का, बोल साचे दरबार की जय। मेरी तो जी माँ है, मैं तो सब कुछ यहाँ से पाकर जा रही हूँ, कुछ छोड़ के नहीं जा रही, मैं आई थी यहाँ खाली और माँ ने मेरी बहुत झोलियाँ भरी है, सब कुछ भरा है। मैं तो एक बार आई, दो बार आई, आज माँ ने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी, जो भी मेरे काम रुके हुए थे माँ ने पूरे किए हैं और मैं आज अपने मन से अरदास लेके आई हूँ उनके पास। जयकारा मेरी सोनू माता का, बोल साचे दरबार की जय। अरदास अरदूस से
सेट सुट भी आए हुए कहीं कुछ आया देख लो, ऐसे ऐसे अरदास मिलती है हमको, डिमांड कोई नहीं होती है, खुद बोलते हैं लोग कि हमको आराम लगा है तो देते हैं, मांगना मुंगना नहीं है। सुखी अगर आपका जीवन होता है, और एनवेलप में भी दी होगी भाई सेवाओं, देखेंगे हम बाद में। तो माँ सबको ऐसे रंग लगाए और माँ भगवती की अरदास सभी दिया करें और हम लिया करें, और नवरात्रे में तुमको ही बांटा करेंगे, ठीक है? बोलो जयकारा शेरा वाली माई का, बोल सच्चे दरबार की जय। माँ के सच्चे दरबार में अरदासी चढ़ती ही रहती हैं, ये नित नई चढ़ती हैं। अगर आपके पास काबिलियत है तो लोग जरूर ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होते हैं। तो जयकारा शेरा वाली माई का।